नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ और भगवान महाबली हनुमान जी ने सुन लिया आपकी पुकार। अब आपके जीवनकाल में आपको मिलने वाली है जीवन की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, दोस्तों आपके जीवनकाल में जो भी घटनाएं चल रही है, जो भी समस्याएं चल रही है, दोस्तों वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप तो यह बात जानते हैं कि आपने अपनी सफलता पाने के लिए कितना जी तोड़ मेहनत किया है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी आपको अभी तक वह सफलता हाथ नहीं लगी है जिनके लिए आपकी आँखें तरस गई थी, जिनके आप पिछले कई समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। महाबली हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ आने वाले 6 दिनों के अंदर आप सभी को देने वाले हैं जीवन की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली में, अब आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद पड़ चुका है। अब आप सभी के राशि में कुछ ऐसे बड़े महाशुभ योग का निर्माण होने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़े अनोखे बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जानकर आप सभी के जीवनकाल में हड़कंप सी मच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जानकर घर परिवार खुशी से पागल हो जाएंगे। यूँ कहें अब आपके जीवनकाल में भगवान भोलेनाथ महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत बड़े चमत्कार शुरू होने वाले हैं। आपको एक नई जिंदगी महाबली हनुमान और भगवान भोलेनाथ देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि ऐसे महत्वपूर्ण समयों को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें सही तरीके से अपने जीवनकाल में उपयोग में लाएँ। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि महाबली हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ सभी के जीवनकाल में प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों जिनके भी जीवनकाल में यह आते हैं, उनके सभी सद्गुणों को देखकर, उनके जीवनकाल की मेहनत को देखकर उनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी का भी बारी आ चुका है जब आपके भाग्य उदय होगा, जब आपके जीवनकाल की सारे दुख दूर होंगे, जब आपको खुशियाँ मिलेंगी। परंतु दोस्तों यश में अगर आप कोई नादानी कर देंगे, अगर यश में आप कोई चूक कर देंगे, तो दोस्तों ये आपकी बड़ी गलती होगी और जीवनकाल में सफलता पाने से आप चूक सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि कौन कौन से कार्यों को लेकर यश में आपको सावधान भी रहना होगा। क्यों दोस्तों, आप तो यह बात जानते हैं कि आपके जीवनकाल में जब भी खुशी आती है तो दोस्तों कोई ना कोई छोटी अड़चनें जरूर ही आती है और जिनमें आप उलझ कर बड़े सफलताओं को भी छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों हम आज की इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आने वाले 6 दिनों के अंदर भगवान भोलेनाथ और भगवान महाबली हनुमान जी ने आपके लिए क्या क्या लिखा है, आपके नसीब में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी कामयाबी आपके नसीब में अब आने वाली है, और भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से कौन कौन से बदलाव आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं, साथ ही कौन सी विशेष बातों का ध्यान आपको रखना अत्यंत आवश्यक होंगे। दोस्तों सभी के बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, इन्हें अंत तक देखना अब आपका दायित्व तो होगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी महाबली हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों महाबली हनुमान जी का और भगवान भोलेनाथ का अशीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवनकाल के कष्ट आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में, सभी के जीवनकाल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रख लेगा, दोस्तों यकीनन उनके जीवनकाल में संकट आने से पहले ही उन्हें यह बात पता चल जाएगी कि यह चीज़ हमारे लिए कितना बुरा है या फिर यह चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर तक से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अतः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़कर और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि
कि यह क्या हो रहा है, और जोर जोर से वह चीखने लगा और रोने लगा। फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सुन रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा रहा था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ रहा था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसियों ने उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ा था। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं से किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर आ गया। ध्यान रखें कि आपके जीवन में भी बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आपके ऊपर गिराएगी, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता शीर्षक के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उसे सीख कर, उसे सीढ़ी बनाकर अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहें, आप एक दिन जरूर ही कामयाब हो जाएंगे। बस सकारात्मक रहें, सकारात्मक जिए। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और सबसे बढ़िया दवा हंसी है। और आश्चर्य की बात, ये सब बिल्कुल निःशुल्क है। बस सोच बदलनी है, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर ही लाइक कीजिएगा और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि आने वाले 6 दिनों के अंदर आप शिव के जीवन काल में भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे, शादी दोस्तों कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय नई उम्मीद और आशाओं के साथ दिन की शुरुआत होगी। दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में इसमें आप सक्षम रहेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बन सकती है। दोस्तों आपके अंदर भरपूर आत्मविश्वास इसमें रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों दूसरों के मामले में अधिक हस्तक्षेप करने से बचें। यह समय किसी प्रकार का वाद विवाद या फिर लड़ाई झगड़ा होने के आसार भी बन रहे हैं। दोस्तों मामले को गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि दोस्तों किसी महत्वपूर्ण विषय में आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी होगी। अपनी गलतियों का अवलोकन करें। दोस्तों आपके अंदर बढ़ते हुए रिजल्ट को खत्म करने की कोशिश आपकी यश में सफल रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों दूसरे के द्वारा मिल रही आलोचना को नज़रअंदाज करना आपको यश में सीखना होगा। खास करके परिवार के किसी करीबी व्यक्ति द्वारा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में किसी नजदीकी संबंधी की मदद करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने में अधिकतर समय भी व्यतीत हो जाएगा। दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा में भी यश में आपका जो है इजाफा होगा। किसी समारोह आदि में जाने का आपका अवसर भी मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु अपने कार्यों को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि दोस्तों व्यस्तता के कारण आपके स्वयं के कार्यों में रुकावटें आएंगी। दोस्तों घर की व्यवस्था बनाए रखने में भी ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, तो दोस्तों विद्यार्थीगण इनको लेकर सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके जीवन में आ रही स्थिरता आपको सकारात्मक बना रही है। दोस्तों मिली हुई स्थिरता को कायम रखने की कोशिश आपको यश में करनी चाहिए। पैसे संबंधित तकलीफ कम होने की वजह से जीवन के प्रति आपका नजरिया भी यश में बदल रहा है।
दोस्तों आपको बता दें कि यश में अधिक से अधिक सकारात्मक रहकर वर्तमान की बातों का आनंद लें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें कि समय आप अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी भी परिस्थिति में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में भी आप सक्षम रहेंगे। दोस्तों युवा वर्ग को अपनी पहली इनकम मिलने से बहुत ही अधिक खुशी की प्राप्ति होगी। दोस्तों यश में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर पारिवारिक वातावरण को यश में और अधिक सुखमय बनाकर रखेगा। तो दोस्तों यश में आप क्या करें, बड़े बुजुर्गों का जो है प्यार आशीर्वाद और स्नेह पाने के लिए उनकी यश में सेवा सेवारत में ध्यान जरूर दें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु दूसरों के मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें, इसलिए दोस्तों आपके ही मान सम्मान में कुछ आँच आ सकती है। दोस्तों ये जो समय है उनके आपके लिए अभी पैतृक संपत्ति संबंधी जो भी मामले हैं अटक सकते हैं, यश में धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों आप अपने लक्ष्य बड़े रखते हैं लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए उतनी आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दो यश में खुद के प्रति नाराजगी भी बढ़ेगी और दूसरों के प्रति देखकर उनके मन में जलन भी पैदा हो सकती है। दोस्तों दूसरे के प्रति बढ़ रही नकारात्मकता को कम करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय से चल रही किसी चिंता व फिर तनाव से आपको राहत मिलेगी। बीमा निवेश आदि से संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियों में है उनकी व्यवस्था यश में बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपने जीवन से मौज मस्ती को कम करके आप अधिक वक्त अपने काम को पूरा करने के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों काम में मिल रहा यश आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक समस्याएं भी कम हो रही है। दोस्तों कठिन परिस्थिति में भी आप डट कर खड़े रहेंगे, जिसकी वजह से परिवार के लोगों का भी आपके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण यश में बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा का असर आपके काम पर भी पड़ेगा। यश में कुछ लोग आपके लिए रुकावट उत्पन्न भी कर सकते हैं, परंतु दोस्तों किसी राजनीतिक व फिर प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आपकी समस्याओं का यश में समाधान भी होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य की अधिकता की वजह से ऑफिस का जो काम है घर पर ही निपटाना पड़ सकता है या फिर घर पर ही आपको यश में काम को करना पड़ सकता है।